अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज आ रही जी जनाब? मैंने कल आप लोगों को एक सवाल दिया था करने के लिए, सवाल हो गया था आप लोगों से? ये सवाल दिया था करने के लिए, सवाल आपसे हो गया था? जी इसका कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी किस्म का है तो बताएं। आई गेस नेट प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। हेलो जी जनाब, इसमें कोई इश्यू है किसी किस्म का? चलें जी, जरा ये सवाल पढ़ें और ये सवाल पढ़ के बताएं समझ आती है। काइंडली रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली। सवाल को रीड करके बताएं, सवाल की समझ आती है? एक दफा आप रीड करें, फिर मैं रीड करता हूँ, फिर हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व होता है या नहीं होता, और इसने क्या चीज़ हमसे मांगी। जरा मुझे रीड करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। शाबाश। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको 5 से 8 नंबर के जो है मिलते ही होते हैं। काइंडली रीड करके मुझे आपने डन का वर्ड लिखना है, फिर हम देखते हैं आपको समझ आई है कि नहीं आई, फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी बच्चे भी रीड करें, हर उनने रीड कर ली है, बाकी बच्चे भी रीड करें। चलेंगे अब सॉल्व करें इसको। अब देखें, जिस तरह आपने रीड की है, आपसे इसको अंडरस्टैंड किया, जिस तरह हम करते हैं, आपको देखना है कि रीडिंग में लाइक डिफरेंस क्या है, उसको देखेंगे हम, और कैसे उसको लेके चलना है, ये सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस जो है वो यहाँ पर कर रहे होंगे। सवाल देखते हैं, पढ़ते हैं। देखें, R1 के पेपर में ना सवाल की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है, डिविडेंड को रिकॉर्ड करने में, डिविडेंड की रिकॉर्डिंग के लिए, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2023 के लिए। जी कहते थे, मारिया लिमिटेड हैड द फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2023। देखें, आप पेपर में बैठे होंगे, सवाल कर रहे होंगे, तो सवाल को ऐसे हाईलाइट लाजमी करना है।
देखना है इसके ऊपर क्या चीज है क्या चीज नहीं है, उसको आपने क्या करना है, चीजों को हाईलाइट कर लेना है कि जी हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सवाल पढ़ने। अब देखिए जी, ऑर्डर शेयर क्या पड़ा था, 600 मिलियन का, प्रीमियम 300 का है, रिटेन अर्निंग 250 मिलियन की है, और एक शेयर कितने का है, 100 का है। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज अवेलेबल। एक है इंटरम कैश डिविडेंड, हमें पता है इंटरम साल के दौरान होता है, और दूसरा है फाइनल बोनस डिविडेंड। बोनस का जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, शेयर्स मिल रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 का इंटरम डिविडेंड था 10%, फाइनल डिविडेंड था 20%। 31 दिसंबर 2023 का 12% है, 15% है। अब उसने हमें यहाँ पे बता दिया है, ये देखें ये चीज उसने लिंक की है, बता दी है कि इंटरम कैश डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर डिक्लेयर करेंगे 17 अगस्त को, मतलब साल के दौरान, और फाइनल कैश डिविडेंड जो है वो 25 अप्रैल को होगा अगले साल। फॉलोइंग का मतलब है अगले साल। अब हम देख रहे हैं कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम 2023 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखें यकम जनवरी 2023 पे शुरू होगा और 31 दिसंबर 2023 पे हम क्या करेंगे, जाके इसको वाइंड अप जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यहाँ पे देखना है, ये हमारा साल है, हमने सिर्फ इस डेट में क्या करना है, रेलेवेंट चीजों को लेके चलना है। अब बताएं 2022 का इंटरम डिविडेंड तो 2022 में ही ट्रेड हो गया था, उसका कोई फर्क नहीं आया। हाँ, 2022 का फाइनल बोनस डिविडेंड था वो कब पे होगा, 2023 में। इसका मतलब 25 अप्रैल 2023 को क्या इशू होगा, हमारे पास बोनस जो है वो इशू हुआ होगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट जो है वो कर रहे होंगे कि जी क्या है और किसने। अब 20% है तो 20% का मतलब है कि हमने शेयर कैपिटल पे क्या करना है, 20% लगा देने। तो शेयर कैपिटल हमारा 600 का है, इसका 20% जो है वो हम ले रहे हैं बोनस डिविडेंड, तो कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो बोनस की एंट्री हम करेंगे 25/4/2023 के ऊपर, या रहेगा डेबिट या रहेगा हमारे पास क्रेडिट। अब देखें क्रेडिट क्या होना है, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल किससे होगा, 120 से। अब देखें ये है फाइनल बोनस डिविडेंड, ये क्या है, बोनस डिविडेंड है, एज अ डिविडेंड दिया जा रहा है। तो डेबिट क्या होगा, हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट हो जाएगी 120 से, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे 2023 में क्या आता है, 2023 में हमारे पास आ रहा है कि हमने क्या करना है, इंटरम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है, और ये कितना है, 12% है। अब ये इंटरम डिविडेंड लगता है हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल के ऊपर। अब इससे पहले देखा जाए हमारा ओपनिंग शेयर कैपिटल था 600 मिलियन का, हमने फर्दर बोनस इशू किया 120 मिलियन के, तो टोटल हमारा शेयर कैपिटल कितना हो गया, 720 मिलियन का। टोटल कितना हो गया, 720 मिलियन का। अब इसके ऊपर हम क्या दे रहे हैं, कैश डिविडेंड दे रहे हैं। इसका मतलब ये एंट्री हम कब पास करेंगे, ये एंट्री हमारी पास होगी 17 अगस्त 2023 को, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, अब कैश डिविडेंड देना है तो मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है मौजूद, 720 का, तो 720 का जरा 12% लें, क्या जवाब आता है बताएं। अब ये कैश डिविडेंड है ना, 86.4 से हमारी क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डेबिट हो जाएगी। अब डिविडेंड चूंकि पेड है तो यहाँ डिविडेंड बैंक आ जाएगा, अगर पे कर दिया है, अगर पे नहीं किया तो पेएबल जो है वो आ जाएगा 86.4 से, तो ये हमारी एंट्री जो है वो पास हो रही होगी। तो दैट वॉज द क्वेश्चन जिसको हमने इस तरह से क्या करना था, सॉल्व करना था। जी जनाब, इसमें कोई सवाल है?
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। देखें, मैंने बोनस पे आपको क्लियरली बताया था कि अगर बोनस दिया जा रहा है ना, और बोनस को हम एज अ डिविडेंड दे रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग होगा। अगर डिविडेंड के अलावा बोनस दिया गया है, फिर शेयर प्रीमियम आएगा। क्लियर है सोल्यूशन इसका? अच्छा जी, अब ना ये छोटी सी एंट्रीज हैं, इनको देख लीजिएगा कि जब हम रिजर्व्स को ट्रांसफर करते हैं, मतलब जो हमारा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स है, उसमें कुछ एंट्रीज जो हैं वो हमने करनी होगी। ठीक है, पहले होगा हमारा, हाँ नंबर 1 आ जाएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पेपर में हमें ये ट्रांसफर गिवन होंगे। अब इस तरह का ट्रांसफर गिवन हो ना, तो इसकी एंट्री जो हमारी पास होगी, ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा हमारा क्रेडिट। अब ट्रांसफर हो रहा है, मोस्टली ट्रांसफर रिटेन्ड अर्निंग से होता है, तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएगी, और जो हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया होगा वो मेरा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो पहली तो हम एंट्री जो है वो क्या करेंगे, ये पास करेंगे। दूसरी हम एंट्री पास करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, देखें जी, जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, ये हमने कल बात की थी, इसे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और हमारी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ये सिर्फ आपने यही याद रखना है, इसकी लॉजिक जाके हम IAS 16 जो है वहां पे तफसील में क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। और तीसरा जो है ट्रांसफर ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन डिस्पोजल, इसकी एंट्री जो हम कर रहे होते हैं, रिमेंबर, इसका मतलब है कि जब हमारा एसेट हम बेच दें उस वक्त, तो मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स थी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तीन एंट्रीज जो हैं, ये तीन एंट्रीज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है, कैसे हैं और किस तरह से, गॉट इट? इनको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं आगे। जी जनाब, इसमें कोई मसला, इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की है तो बता। आगे चले, अब देखिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया, अब हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट जरा जो है वो आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करने। देखिए, आपको सवाल होगा, जिस कंपनी का डाटा गिवन होगा आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे, साथ आ जाएगी हेडिंग के आप क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं, और ईयर एंड जो है वो गिवन होगा कि 2024-25 जो भी है। अब उसने आपको सवाल में जो जो एनालिसिस गिवन किए होंगे, जैसे शेयर कैपिटल का कॉलम बन जाएगा, इनकम का बन जाएगा, रिटेन अर्निंग का बन जाएगा, सरप्लस का बन जाएगा, और हम टोटल का कॉलम भी बनाएंगे। अगर एग्जामिनर खुद कह दे कि टोटल का कॉलम रिक्वायर नहीं है, एग्जामिनर खुद कह दे कि
टोटल का कॉलम जो है वो रिक्वायर नहीं है, फिर हम नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हम टोटल का कॉलम जो है वो खुद ही बना रहे होंगे। डन। फिर जो हमें साल के शुरू में बैलेंस गिवन हुआ होगा, ओपनिंग बैलेंस से सबका लिखेंगे यहाँ पे। फिर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा वो रिटेन अर्निंग में ऐड होना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जो डिविडेंड रिटेन अर्निंग से जाना है वो लेस होना है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर अगर कोई साल के एंड पे सरप्लस आया वो हम सरप्लस में ऐड कर देंगे। फिर सरप्लस से जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर होता है, अभी जो ट्रांसफर की एंट्रीज करवाई है, देखें सरप्लस से हम क्या करेंगे, कम करेंगे, रिटेन अर्निंग में क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। फिर अगर हमने बोनस शेयर दिए हैं और वो अगर एज अ वैसे ही बोनस दिए हैं तो प्रीमियम से जाएंगे, अगर एज अ डिविडेंड दिए हैं तो कहाँ से जा रहे होंगे, रिटेन अर्निंग से जा रहे होंगे। राइट इश्यू वगैरह किए हैं तो कैपिटल में जाएंगे, प्रीमियम प्रीमियम आएगा हमारे पास। तो सारा कुछ हमने ये क्या करनी है, स्टेटमेंट बनानी है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड पे बैलेंस आ जाएगा। रिमेंबर, ये चीज़ का सम इसके बराबर होना चाहिए और ये चीज़ का सम जो है बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा फॉर्मेट है जिसपे हम क्या करते हैं, इनको लेके चीज़ों को चलते हैं। अब फर्दर जो है हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सवाल करते हैं, तो हमारा फॉर्मेट जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं जी, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहते हैं द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019, ये हमने क्या करनी है, बनानी है। द इक्विटी ऑफ एसएमएस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 इज एज फॉलो, कि जो इक्विटी जो है वो क्या है, उसने हमें यहाँ पे गिवन की है, हमने क्या करना है, उसको इधर लेकर चलना है। टोटल इक्विटी साल के शुरू में हमने बनानी है, ईयर एंड पे हमें चाहिए साल के शुरू पे। शेयर कैपिटल था अपनी 3000 मिलियन का, प्रीमियम है 1900 मिलियन का, रिटेन अर्निंग जो है वो 4500 मिलियन की जो है वो क्या की गई है, हमें गिवन की गई है। फिर ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिविडेंड जो है वो हमने क्या किया, डिक्लेयर पे किया। इक्विटी जो है वो हमारी इतनी बनती है, और कंपनी ने हमें बोनस इशू किया है 2:1 का। तो ये हमारा क्या है, सवाल है। इसको रेड करके हमें डन लिख के बताएं, सवाल समझ आ गया, फिर हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनाते हैं। शाबाश, जल्दी से रीड करें इसे। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे। देखें जी, नाम पे कंपनी का नाम है एसएमएस लिमिटेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि ये हम क्या कर रहे हैं, एसएमएस लिमिटेड के लिए क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। और क्या है जी हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पीरियड क्या है हमारे पास, फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2019, फॉर द पीरियड ऑफ 31 दिसंबर 2019, ये इसने हमें बताया। अब उससे जो कुछ गिवन किया है ना, हम क्या करते हैं, हम वो लिख लेते हैं, कैपिटल है, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है और टोटल है, ठीक है, लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, देखें शेयर कैपिटल, अच्छा मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप प्रॉपर लिखेंगे पेपर में शेयर कैपिटल, फिर शेयर प्रीमियम, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पेपर में पूरी लिखनी है। उसके बाद है हमारे पास रिटेन अर्निंग, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पूरी लिखनी है।
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉलम किसका, टोटल का, जिसने यहाँ पे गिवन किया। ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमने क्या किया है, हम इसको यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब उसने जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो हम देखते हैं, बिकॉज दिसंबर 18 का मतलब है यकम जनवरी 19 की बात हो रही है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी बैलेंस ऑन 1 जनवरी, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 19। अच्छा, उसने एक चीज यहाँ पे क्या डाटा गिवन है, रुपीज इन मिलियन में गिवन है। आपने भी क्या करना है, डाटा जो है वो किस में लेके चलना है, रुपीज इन मिलियन में जो है वो क्या करना है, लेकर चलना है। डन हो गया। अब हम यहाँ पे करते हैं जी, किधर गया, 3,1945। यहाँ पे आ जाएगा 3,1945। जरा सम करें कितना बनता है इनका सबका सम। तीन हजार 1945 का जमा करें कितना बनता है, 9,400। देखें जी, उस सम हमारा बन रहा है कितना, 9,400। हमने क्या किया, 9,400 जो है वो यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद ओहो, कहते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो 400 का है, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 400 का। ये क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। उसके अलावा डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ है, पेड भी हुआ है 300 का, वो हम ले देंगे, तो ये 400 यहाँ पे आ गया। फिर डिविडेंड जो है वो मेरा आ गया 300 का, वो रिटेन अर्निंग से लेस होता है, वो मैंने यहाँ पर लेस करवा दिया। उसके बाद वो कहता है टोटल इक्विटी एंड पे ये है, अच्छा कंपनी ने बोनस किया है 2:1 का। अब 2:1 का मतलब क्या है कि जिसके पास एक शेयर था, जिसके पास एक शेयर था उसने कितने दे दिए, 2 शेयर। इसका मतलब कंपनी ने कितने का बोनस दिया, 6,000 का बोनस जो है दिया है। और मगर अगर आप उसको निकालना चाहते हैं कितने बोनस शेयर बनते हैं, देखें आपको लिखवाया था फॉर्मूला के एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल डिवाइड करना है हमने पार वैल्यू से, मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज से। अब एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल जो है वो है 3,000 का, 10 रुपए का एक शेयर है, और वो है 2:1, इसका मतलब 2/1। इसको सोल्व करके बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो इश्यू हुए हैं। छह सौ, देखिए 600 नंबर ऑफ शेयर जो है वो हमने इश्यू किए हैं। अगर आप इसकी एंट्री पास करेंगे, डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया। हमें पता है शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है फेस वैल्यू से, तो 600 × 10 किया, क्या आया, 6,000। अब ये किसको जाएगा, इसने कहा एज अ बोनस दिए हैं, तो जाएगा शेयर प्रीमियम को, या रिटेन अर्निंग को जा रहा होगा 6,000। तो ये हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। अब देखें यहाँ पे जो हमने बोनस दिया, बोनस की वजह से मेरा शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो गया 6,000। अब आप खुद देखिए मेरे पास प्रीमियम तो सिर्फ 1900 का अवेलेबल है, तो 1900 तो हम निकालेंगे शेयर प्रीमियम में से ही, बाकी कितने बचे हैं, बाकी कितने बचे हैं, 4,100। 4,100 जो है वो हम कहाँ से निकाल देंगे, रिटेन अर्निंग में से लेकर चले जाएंगे। तो यही है, और उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हम लेते हैं जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019, जमा कर लेते हैं, ये आ गया 9,000, ये बैलेंस खत्म हो गया। इसका सम कितना बनता है, 4,500 जमा 400, 4,900। 4,900 में से 300 निकाले 4,600, 4,600 में से 4,100 निकाले, तो ये कितना बचा, 500 का। इसको जमा करें कितना आएगा, 9,500 आ रहा होगा, 94 जमा 98, 98 × 3 के 500। अब देखें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बराबर आ रही है, इस तरह हम अपनी क्या कर रहे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बना रहे होते हैं। गॉट इट, समझ आ गई। जी जनाब, समझ आइए, मजे का है कि नहीं, अगर मजे का है तो जरा ये क्वेश्चन रीड करें।
और मुझे बताएं, काइंडली रीड दैट क्वेश्चन एंड लेट मी नो सवाल समझ आ रहा है। सवाल रीड करके बनाए, शाबाश। ठीक चलें जी, ये आपका होमवर्क है। ये सवाल तो जरा होमवर्क के तौर पर करके बताए हैं मुझे, और मुझे होमवर्क का मतलब मीन्स आपने इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में शेयर कर दे, ये आपका होमवर्क है। मुझे ये कल की क्लास से पहले जो है वो चाहिए। हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमने कल इसके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और पास्ट पेपर्स जो है सिर्फ वो करने हैं। एमसीक्यूज की वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप एमसीक्यूज की वीडियो जो है वो कंप्लीट कर लें। बताएं जरा। एमसीक्यूज की वीडियो शेयर कर दूं इस चैप्टर की? चलिए, कल जब हम पास्ट पेपर्स कर रहे होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होंगे, उसके बाद हम देखेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। बट कल हमने ये इस सवाल के बाद जो पास्ट पेपर है, जो 20 दिसंबर का सवाल है, उन्हें क्या करना है, हमने लेकर चलना है। इज दैट क्लियर? ये सवाल करके आने, देखिए मेरे करवाने पे बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा आसान लग रहा होगा आपको। तो यार आसान तो है, लेकिन खुद भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व दैट चैप्टर बाई योर ओन सेल्फ इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर इट। इसमें से अभी इस सेशन में सवाल आया 20 नंबर का, हर सेशन में इसमें से 8-10 नंबर का सवाल टॉपिक का ही पक्का है। इसलिए बेहतर है क्या किया जाए, आप इसको सॉल्व करें। आप इसको सॉल्व करके बताएं समझ आता है कि नहीं आता। डन, चैप्टर हमारा ये खत्म हो गया है, और 20 नंबर तक के चैप्टर है ये हमारा खत्म हो गया। कल जो है हम इसे क्या कर रहे होंगे, पास्ट पेपर जो है अब करेंगे। कल परसों 2 दिन ही इसके इनफ है पास्ट पेपर करने के लिए। उसके बाद चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, और हम फिर जो है अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे होंगे। क्या मेरी स्पेस जो है ज़्यादा तेज तो नहीं जा रही? एक चैप्टर जो है हमारा खत्म हो भी गया है। लाइक टुडे इज द 6th लेक्चर, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, तो क्या मेरी पेस थोड़ी फास्ट तो नहीं जा रही? नो सर, सही है। बस सिर्फ ये रमज़ान है तो प्रैक्टिस में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब हमने दो बाकी तीन इंशाल्लाह पास करके फिर हमने नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर देने। कोशिश ये है कि रिजल्ट से पहले पहले हम गालिबन 3 से 4 चैप्टर हम करके बैठे होंगे। हम अगर डेली बेस पे क्लास कर रहे हैं तो हमारा बड़ा टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम 10-15 जुलाई तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। लाइक यू कैन से डैट बिफोर 2 वीक्स, बिफोर 1.5 मंथ, या बिफोर 2 मंथ्स ऑफ एग्जाम सिलेबस हमने वाइंड अप करना है। और पास्ट पेपर अगर आपके माइंड में है कि मैं नहीं करवाऊंगा, अब जो कल के 2-3 दिन चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं उसके पास्ट पेपर ही आपको क्या कर रहा हूँगा, करवा रहा हूँ। गॉट इट?
इसका टेस्ट भी, चूंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया, पास पेपर्स करने के बाद हम इसका टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवा रहे होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।